उत्तरकाशी टनल से मजदूरों को निकालने का काम शुरू, एनडीआरएफ की टीम 2 घंटे में रेस्क्यू करेगी पूरा। एमपी, राजस्थान और यूपी में बारिश ने बढ़ाई ठंड, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तापमान 1.2 डिग्री पहुंचा। बिहार में पहली बार स्कूलों में छुट्टियों के लिए 2 कैलेंडर, 6 हिंदू त्योहारों की छुट्टियां रद्द, मुस्लिम त्योहारों की बढ़ी। इतनी संकीर्ण सोच ना रखें, पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। सुप्रीम कोर्ट से संथिल बालाजी को नहीं मिली राहत, मेडिकल जमानत देने से किया इनकार। मथुरा वर्ल्ड क्लास स्टेशन की श्रेणी में शामिल, 72 दिन का रिमॉडलिंग के काम शुरू। ज्ञानव्यापी सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए एएसआई ने कोर्ट से मांगा और वक्त, और 3 सप्ताह का समय देने की अपील। सीएम योगी ने सदन शुरू होने से पहले कहा, स्वास्थ्य चर्चा के लिए हम पूरी तरह से तैयार, हर सवाल का देंगे जवाब। यूपी विधानसभा कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित, सपा ने पहले ही दिन काले झंडे दिखाकर दर्ज कराया अपना विरोध। विधायक पल्लवी पटेल ने जातिवार जनगणना पर सौंपा असरकारी विधेयक, शीतकालीन सत्र में किया जा सकता है पेश। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।